हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इलियास और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर की बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो बिजनौर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक बिजनौर ज़िला के नाम से जाना जाता है। यह ज़िला उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा की ओर का ज़िला कहलाता है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा उत्तराखंड राज्य से मिलती है। इस ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस बिजनौर शहर में मौजूद है और बिजनौर ज़िला मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। बिजनौर ज़िला के आबादी के वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाया था। बिजनौर ज़िला आज़ादी के लड़ाई के समय सर सैयद अहमद खां यहीं पर कार्यरत थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारिक सरकसी बिजनौर उस समय के इतिहास पर लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसके अलावा ग्राम पेंजेनिया के चौधरी चरण सिंह त्यागी के यहाँ प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह ने ही उनके यहाँ अपनी शरण ली थी और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। बिजनौर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम मुरादाबाद ज़िला, मुजफ्फरनगर ज़िला, सहारनपुर ज़िला, अमरोहा ज़िला और उत्तराखंड का हरिद्वार ज़िला है। बिजनौर ज़िला में 5 तहसील, 18 नगर पालिका, 22 पुलिस स्टेशन, 18 नगर पंचायत, 2 विश्वविद्यालय, 1 मुख्य डाकघर, 12 नगर पालिका और 2529 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 4049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात करें आबादी की तो साल 2011 के जनगणना के अनुसार बिजनौर ज़िला की कुल आबादी 36,82,713 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 19,21,215 और महिला की कुल आबादी 17,61,498 है। बिजनौर ज़िले के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 435 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो बिजनौर ज़िला सड़क के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 74 और नेशनल हाईवे संख्या 119 गुजरती है, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से मिलती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गाँवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो बिजनौर ज़िले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बिजनौर रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का कोड BJO है, और इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म और 4 पटरियां शामिल है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि बिजनौर रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो बिजनौर ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: JP पब्लिक स्कूल, गोयल पब्लिक स्कूल, दयावती धर्म विद्या पब्लिक स्कूल, सारंग गवर्नमेंट स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, प्रियंका मॉडर्न स्कूल। ये सभी बिजनौर ज़िला में मौजूद हैं, जो आसपास के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो हिमालय के निचले क्षेत्र में बसा यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरा हुआ है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण घूमने के स्थान में शुमार कंठ आश्रम, बिदुर कुटी जो महाभारत काल का प्रसिद्ध है,
दारानगर, सेदावर, पारसनाथ का किला, आजमपुर की पाठशाला, यह पाठशाला अकबर के नवरत्न में से दो नवरत्नों का जन्म स्थान है। दोस्तों, बिजनौर ज़िला के बारे में आप क्या जानते हैं नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।